चिंकी वो मेरी टॉप है। क्या सॉन्ग्स की लिरिक कंप्लीट करने पे मुझे प्राइज मिल सकता है? मैं ये करूंगी। क्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई टू माई लवर आई नेवर लाई ही सेड बी ट्रू आई स्वेयर आई विल ट्राई इन द एंड इट्स हिम एंड आई। यस, मैं ये प्राइज जीत के रहूंगी। आई वर्क ऑल नाइट आई वर्क ऑल डे। हाँ, क्या ये सच में किसी सॉन्ग की लिरिक है? क्योंकि सुनने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मॉम इसे थेरेपी के वक्त बोलती हैं। शायद मैंने पहले उन्हें ये सॉन्ग थेरेपी में गाते हुए सुना है। वो थेरेपी के वक्त और क्या बोलती हैं? एलेक्सा प्ले एवरीवन हु प्लेड मी। शायद नहीं। मॉमी, क्या आज स्कूल खत्म होने के बाद मैं रिया के साथ मॉल में शॉपिंग करने जा सकती हूँ? नहीं मिंकी, हमें सेव करने की जरूरत है ताकि मैं उन बिल्स को पे कर सकूँ जो हमें पे करने की जरूरत है। पे द बिल्स आई हैव टू पे। थैंक्स मॉम। पर मैंने क्या किया? वैसे मुझे अभी और कितने लिरिक्स गेम को कंप्लीट करना होगा? आई एम आउटसाइड G5 29C साइड। मुझे आता है। हाँ, मैं इसके बारे में सोच क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे ये आता है। ओह, तो तुम लिरिक गेम में फंस गई हो? हाँ, और मुझे ये लिरिक्स आती है, बस मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और मेरे ख्याल से तुम्हें गिव अप भी कर देना चाहिए क्योंकि काले ऑलरेडी अपने फोर्थ लिरिक पर पहुंच गया है। मैं अपने थर्ड लिरिक पर हूँ, इसका मतलब है कि मैं उसे हरा सकती हूँ। हाँ, शायद तुम ऐसा कर सकती हो। इज माई फ्रेंड। आई बीन लूजिंग फ्रेंड्स एंड फाइंडिंग पीस बट ऑनेस्टली दैट साउंड्स लाइक अ फेयर ट्रिप टू मी। यस। ओके, जल्दी से मुझे मेरा नेक्स्ट लिरिक भी दे दो। एवरी टाइम यू ट्राई टू फॉरगेट हु आई एम आई बी लाइक दैट टू रिमाइंड यू अगेन। यू नो मी। यस। इसका मतलब है कि अब मैं कालिया के टक्कर पर आ गई हूँ, मैं ये प्राइस जीत सकती हूँ। ये सब किसके लिए चेयर कर रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है? कालिया लिरिक गेम का फाइनलिस्ट बन गया है। क्या? इसमें टोटल कितने फाइनलिस्ट हो सकते हैं? सिर्फ दो, और अब बस एक ही कंटेस्टेंट की जगह बची है। कम ऑन, जल्दी से मुझे मेरी न्यू लिरिक दे दो। तो मिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारी न्यू लिरिक मिली? अभी तक नहीं, जल्दी करो। चाइल्ड पेनल्टी फॉर गेटिंग एंग्री ऑन द सिस्टम। तेरी तो। रुक जाओ मिंकी, उसे और पंगे मत लो, बस थोड़ा सबर रखो। हाँ, ये फाइनली आ गया। A hopeless romantic all my life, surrounded by couples all the time. I guess I should take it as a sign. I'm feeling lonely. Oh, I wish I'd find a lover that could hold me. But I'm crying in my room. So skeptical of love, but still I wanted more, more and more. हाँ, ये हुआ क्यों नहीं? क्या ये सही नहीं था? पर मुझे अच्छे से पता है कि ये सही था। मिंकी, तुम्हें फाइनलिस्ट बनने के लिए इसे गाना पड़ेगा। क्या? हाँ, कालिया ने भी इसे ऐसे ही कंप्लीट किया था। Come on, Minky. मुझे ये प्राइस किसी भी हाल में जीतना होगा। I'm feeling lonely. Oh, I wish I'd find a lover that could hold me. But I'm crying in my room. So skeptical love. But still I want it more, more, more. हाँ, ये अभी भी नहीं हुआ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये बेसुरे लोगों को काउंट करते होंगे। वाह मिंकी, तुमने तो एकदम कौवे की जैसा गाया। ओ कम ऑन तान्या, बेचारे कौवों की ऐसी बेइज्जती तो मत करो। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ, ये हो गया। पर कैसे? ये नहीं होना चाहिए था। क्यों कालिया, क्या तुम डर गए कि मैं तुम्हें फाइनल्स में हरा दूंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम एक फाइनलिस्ट हो। अगला राउंड एक रैप बैटल होगा। एक रैप बैटल? हाँ, तो तुम दोनों में से पहले कौन जाना चाहेगा? मैं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। गाइस, मेरा रैप आ गया। मास्क ऑफ, मैं ये आराम से कर लूंगा। चेज अ चेक, नेवर चेज अ बिच। मास्क ऑफ, फक इट, मास्क ऑफ। ये तो बहुत इजी था। अच्छा, चलो फिर देखते हैं कि तुम कैसा करती हो। हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत इजी है। I said it's nice to meet you, shook his hand and it was sticky. I looked into his eyes and then that's when it hit me. I said, oh Mickey, you're so fine, you blow my mind. Yes! मैंने आज से पहले ये सॉन्ग कभी नहीं सुना। कालिया, तुम्हें कौन सा सॉन्ग मिला है? एरिया कोड। मुझे ये नहीं आता। मुझे आता है। मिंकी, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम फाइनल्स में जीत जाओगी। Just cause you're fine as hell. And I told you, well, thank you, baby. Anything for my favorite lady. But I gotta go. They just let me know that I could pick up my Mercedes. I got holes in different area codes. Yes, मैं जीत गई। अब हम तुम्हें तुम्हारा प्राइस भेज रहे हैं। Airpods? Cool. Congrats, Minky. तुमने बहुत अच्छा खेला। तुमने भी गा लिया। I'm so lonely. क्या तुमने कुछ कहा? नहीं तो क्यों? नहीं, बस मुझे लगा कि मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना। Nobody likes me, everybody hates me, I'm going to. हाँ? मुझे लगता है कि एयरपॉड्स मुझे लोगों के मन की बात म्यूजिक के फॉर्म में सुना सकता है।
मम्मी आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ आज क्या हुआ। क्या हुआ मिंकी? वेल, मुझे एक कूल एयरपॉड्स मिले और बेसिकली ये पैसिफाई हर। क्या क्या हुआ मिंकी? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। शी इज गेटिंग ऑन माय नर्व्स। कोई बात नहीं चिंकी, तुम्हें पता है मुझे कूल एयरपॉड्स मिले और इसकी हेल्प से मैं किसी की भी फीलिंग सुन सकती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, ये लो इसे लगा कर देखो। वाओ, तो क्या तुम सुन सकती हो कि मैं क्या फील कर रही हूँ? नहीं डफर, सच में। लाओ मुझे इसे पहनने दो। That girl's a liar. That girl's a liar. मैं झूठी नहीं हूँ। हाँ मिंकी, तो मैंने कब कहा कि तुम झूठी हो? ओह, मुझे लगता है कि इसका यूज सिर्फ मैं कर सकती हूँ। फिर मुझे अब पता चल गया है कि मेरी मॉम मुझसे नफरत करती हैं। पर मेरे डैड, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? डैड। बेटा, मैं अभी एक जरूरी कॉल पर हूँ। ये पापा किससे बात कर रहे हैं? आज फिर तुम पे प्यार आया। इसका मतलब पापा मेरे को चीट कर रहे हैं? अब तो ये कहे काम से। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिंकी, मैंने कहा ना कि मैं इम्पोर्टेंट कॉल पर हूँ। हाँ मुझे पता है, ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल है। नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे पता है कि आप मॉम को चीट कर रहे हैं और आप इस वक्त उसी से बात कर रहे हैं। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिंकी, मैं तुम्हारी मॉम को चीट नहीं कर रहा हूँ। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिससे मैं तुम्हारी मॉम से शायद थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूँ, वो है ये पनीर की सब्जी जो कि बहुत टेस्टी है और ये भी तुम्हारी मॉम ने ही बनाई है। इसका मतलब है कि आप इस पनीर की सब्जी की बात कर रहे थे जिस पे आपको आज फिर प्यार आया है? हाँ कह सकती हो। पर तुम्हें क्या हुआ? नहीं बस यूं ही। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम को चीट कर रहा हूँ? नहीं डैड, एक्चुअली ये बस एक टेस्ट था और आप इसमें पास हो गए हैं। गुड जॉब, बाद में मिलते हैं। शायद मुझे इसे यूज करते वक्त थोड़ा और केयरफुल रहना होगा। यू नो व्हाट, मे बी मेरी मॉम मुझसे नफरत नहीं करती। मॉम, मैं चाहती हूँ कि आप 10 सेकंड के लिए सिर्फ मेरे बारे में सोचिए। पर क्यों मिंकी? क्लास प्रोजेक्ट है। दाएं बड़े फंकी करे नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। मॉम, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल करती हूँ बेटा। तुमने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे लगता है कि आपको कुछ परेशान कर रहा था और मुझे लगता है कि वो मैं थी। ओह नो, नहीं बेटा, वो बस एक मच्छर ने मुझे सुबह से परेशान कर रखा था और इसीलिए मैं पूरे दिन बस उसके पीछे परेशान थी। तो क्या आपने उसे मार दिया? नहीं, मुझे ऐसा करना नहीं पड़ा क्योंकि टॉमी ने ऐसा कर दिया। हाँ, टॉमी मेरा गुड बॉय। चलो देखते हैं कि ये क्या सोच रहा है। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। सच में तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? क्या तुम एक बड़े प्राइस के लिए अपने प्राइस की अदला बदली करना चाहोगी? इससे भी ज्यादा बड़ा प्राइस? हो सकता है कि उसकी पावर इससे भी ज्यादा कूल हो। मुझे पूरा यकीन है मैं इसे करूंगी। इस राउंड में तुम्हें म्यूजिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। मैं ट्रिविया में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं ये कर सकती हूँ। नेम 3 सॉन्ग्स ऑफ हॉलीवुड फ्रॉम द 19th century। मतलब बहुत ज्यादा ओल्ड सॉन्ग्स। ऐसे कौन से सॉन्ग्स हैं जो बहुत ज्यादा ओल्ड हैं? मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। यस। जिंगल बेल्स। ओके, वन मोर। आई रियली होप ये करेक्ट हो। बाबा ब्लैक शीप। यस। तो बिग प्राइस कहाँ हो तुम? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑल 5 सिंगर्स ऑफ वन डायरेक्शन। अरे यार, कुछ हार्ड क्वेश्चन देना था। ऑल राइट, तो हम इस क्वेश्चन को और हार्ड बना रहे हैं। वेट, रुको, नहीं। नेम 4 BTS मेंबर्स। आई एम जंगकुक, जिमिन, वी, जिन। थैंक यू सो मच रिया, हर वक्त BTS के बारे में बात करने के लिए। ओके, अब बस एक और क्वेश्चन बाकी है, मैं ये कर सकती हूँ। व्हाट इज द मोस्ट प्लेड सॉन्ग ऑन YouTube? यार वो कौन सा सॉन्ग था? मैं तो पार्टी कर रही थी, मजे कर रही थी, मुझे बंदर ने बुलाया, बोला No! Come on, क्या तुम लोग सच में मुझे एक और चांस नहीं दोगे? हम तुम्हें नेक्स्ट चांस जरूर देंगे, पर नेक्स्ट ईयर। मुझे उन एयरपोर्ट्स को देने ही नहीं चाहिए था, लालच पूरी बला है। गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है।